नमस्कार, कुक एंड लर्न विद मृदुला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने किचन में आप सभी की पसंदीदा बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। सर्दियों के मौसम में पाव भाजी खाने का मजा ही कुछ और है। आइए जानते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से इसे कैसे बनाया जा सकता है। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे जरूरी है आलू। 500 ग्राम आलू लिए हैं, 200 ग्राम प्याज है, ये 200 ग्राम ही टमाटर हैं जिन्हें आधा हमने मोटे मोटे काट लिया है और दो टमाटरों की प्यूरी बना ली है, एक कटोरी मटर, एक कटोरी कटी हुई गोभी, शिमला मिर्च, ये टमाटर की प्यूरी, अदरक लहसुन और एक हरी मिर्च का हमने मोटा मोटा कूट कर पेस्ट बना लिया है, इस 2 स्पून जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, एक कटोरी है ये गाजर, चुकंदर कटा हुआ, ये है पाव भाजी मसाला, नमक, जीरा पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और है ये कटा हुआ नींबू। गैस को हमने अभी मीडियम आंच पे रखा है और इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, और इसके साथ ही डालेंगे थोड़ा सा बटर। गैस को सिम कर देंगे, बटर पिघल रहा है। अब इसमें डाल रही हूँ 1 स्पून जीरा, जीरा तड़क रहा है, लाल हो गया है, गैस को सिम कर दिया। इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ टमाटर, 1 स्पून पाव भाजी मसाला, 1 स्पून नमक और इसको हम थोड़ा सा चलाते हुए पकाएंगे। टमाटर थोड़े थोड़े गल रहे हैं, इसमें डाल देंगे सभी आलू, सभी सब्जियां जितनी भी हैं हमारे पास, मटर, गोभी, चुकंदर, कलर के लिए डालते हैं चुकंदर और गाजर, और इन्हें 1 मिनट के लिए थोड़ी तेज आंच पर भूनेंगे ताकि मसाला सभी सब्जियों को कोट कर ले। देखिए सारा मसाला सब्जियों को कवर कर रहा है। 1 मिनट हो चुका है, अब सब्जियों में हम उतना ही पानी डालेंगे जिससे ये कवर हो जाए, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना बाद में हमें पानी सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना ही पानी डालेंगे जिसमें सब्जियां ये अच्छी तरह गल जाएं। ढक्कन लगा देंगे कुकर का और इसे हम 3 विसल आने तक, जब तक सब्जियां कुकर में पककर तैयार होती है, विसल आती है, उतनी देर में हम सब्जियों के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक चौड़े मुंह वाली कढ़ाई लेंगे जो फ्लैट बॉटम हो जिसका, ताकि हमें बाद में सब्जी मैश करनी इजी हो जाए। थोड़ा सा कोई भी कुकिंग ऑयल डालेंगे और उसके साथ ही इसमें हम डालेंगे मक्खन। मक्खन पाव भाजी में बहुत खुला डालना पड़ता है क्योंकि सारा मक्खन का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। ये पिघल जाएगा तब हम इसमें तड़का तैयार करेंगे। 3 विसल आ चुकी हैं, अब गैस को मैं सिम कर रही हूँ और इसे 1 मिनट तक इसी तरह से सिम पर पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे इसी तरह से ठंडा होने देंगे ताकि इसकी सारी स्टीम अपने आप ही निकल जाए। प्याज को हमने हाई फ्लेम पे ही भूनना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। प्याज भून रहे हैं, अभी थोड़ा सा और भूनेंगे इनको। प्याज भून चुके हैं, इससे ज्यादा हमने इनको नहीं भूनना, ये कलर चेंज कर चुके हैं अपना। अब इसमें डालेंगे हम कटी हुई शिमला मिर्च,
और इसे भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च और प्याज अच्छी तरह भून चुके हैं। अब इसमें डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ जीरा और अमचूर, हाफ स्पून अमचूर का, दो बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला, और साथ ही अब इसमें डाल रहे हैं एक टमाटर कटा हुआ और एक टमाटर की प्यूरी। सबको फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे। आंच हमने मीडियम रखनी है, फिर इसको हम तेज आंच पर भूनेंगे, एक मिनट मीडियम आंच पे। मसाला बहुत ही सुंदर कलर आ रहा है मसाले का। अगर आपको लगे कि पाव भाजी मसाला कम है तो आप इस स्टेज पे दोबारा भी डाल सकते हैं। इसमें स्टीम निकल चुकी है कुकर से, देखिए। अब हम कुकर को खोल लेंगे, देखते हैं कि हमारी सब्जियां गली है या नहीं। सब्जियां पूरी तरह गल चुकी हैं। अगर ये ना गले तो फिर ये बड़ी प्रॉब्लम आती है मैश करने में। ये गल चुकी है, मसाला भी हमारा लगभग फ्राई हो चुका है। मसाला लगभग भुनने वाला है। अब हम इसमें एक स्पून नमक डाल देंगे, छोटा टीस्पून है ये, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बाद में मक्खन भी हमारा नमकीन है, उसको डालने से कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए। देखिए मसाला, यही पहचान है कि मसाले से घी अलग हो रहा है, मसाला भुनने की ये पहचान है। अभी हम इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा फिर से फ्राई करते हैं, फिर इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। मसाला पूरी तरह से भून चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे हम ये सब्जियां। जैसे कड़छी को सामने रख के ताकि आप तक छींटे ना आए, सारी सब्जी को हम कढ़ाई में पलटते हैं। दो मिनट तक इसको ऐसे ही पकने देंगे, फिर इसे हम मैश करेंगे। देखिए सभी सब्जियां लगभग अपने आप ही घुलकर मसाले के साथ मिल गई। यहाँ पे हम गैस को सिम करके और एक मैशर से इसको मैश कर देंगे, जो रह गई हैं वो भी इसमें मैश हो जाएंगी। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मक्खन, थोड़ा सा बटर और ऐड करेंगे और इसे लगभग 2-3 मिनट तक पकाएंगे। भाजी पूरी तरह से बन चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से बटर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब ये परोसने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब साथ ही हम तैयार करेंगे पाव। तवा गरम है, पाव को हमने बीच में से ऐसे काट लिया है। तवे पर मक्खन लगा रहे हैं और साथ ही डाल रही है थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी आंच पर हम इनको सेकेंगे। पाव दूसरी तरफ से सिक रहे हैं, हम इन्हें अच्छा सेकने के लिए, करारा सेकने के लिए इस साइड पे थोड़ा मक्खन लगा देंगे और साइड्स में भी हल्का हल्का मक्खन लगा देंगे। इससे ये पाव बहुत अच्छे सिक जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा मक्खन चारों ओर लगा दिया हमने, देखते हैं पाव सिके हैं या नहीं।
देखिए कितने अच्छे सुनहरे बिल्कुल पाव सीख कर तैयार हैं। दूसरी साइड पलटती हमने, गैस को सिम पे ही रखा है। अब हम इसे साइड से सेकते हुए, ये साइड से सेक रहे हैं, पलट देंगे, दूसरी साइड से सेकेंगे। आप चाहे इसके पतले पीसेस भी कर सकते हैं, स्लाइसेस कर सकते हैं, मोटे कर सकते हैं, जैसे आपकी पसंद हो वैसा कर सकते हैं। देखिए पाव दोनों तरफ से सिक रहे हैं, साइड से भी सिक रहे हैं, साइड से भी सिकते जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। ऐसे उठाते हुए हम इनको दोनों साइड से सेक लेंगे। भाजी ठंडी हो गई है थोड़ी, अब हम इसमें आधा कटा हुआ एक नींबू का रस निचोड़ देंगे। ज्यादा गरम गरम में हम नहीं निचोड़ते, कई बार स्मेल थोड़ी सी अलग आने लग जाती है, खुशबू अलग बदल जाती है इसकी। पाव भाजी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी पाव भाजी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए और सभी की तारीफ पाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।